लहुची शक्ति सेना दिग्रस की ओर से हाल ही में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में हर साल बाढ़ की चपेट में आने वाले अन्नाभाऊ साठे नगर के निवासियों को भवानी माता मंदिर परिसर में विस्थापित करने की मांग की गई है। बीते सोमवार को तहसीलदार सुधाकर राठौर को सौंपे गए ज्ञापन में सन 2005 और सन 2018 सहित 12 जुलाई 2023 को आई बाढ़ का हवाला देते हुए धावंडा नदी किनारे पर स्थित अन्नाभाऊ साठे नगर में बाढ़ से हुए नुकसान का उल्लेख किया गया है। गौरतलब है कि सन 2005 में आई बाढ़ में जीवित हानि भी हुई थी और लोगों के घरों में पानी घुसा था, जिस वजह से उनके घरों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। हर साल धावंडा नदी की बाढ़ में यहाँ रहने वाले गरीब तबके के लोगों का बेतहाशा नुकसान होता है। इन सारी समस्याओं के मद्देनजर तहसील प्रशासन तत्काल रूप से भाजी मंडी से सटे अन्नाभाऊ साठे नगर वासियों का भवानी माता मंदिर परिसर में पुनर्वास कराए, ऐसी मांग इन बाढ़ पीड़ितों ने की है। 2018 आणि 2023 या वर्षी डिग्रस मधील नदीला महापूर आल्यामुळे अन्नाभाऊ साठे या वस्तीतील अन्नाभाऊ साठे वस्तीतील लोकांचे जे घर वाहून गेले, यांना राहायची सोय नाही, व्यवस्था नाही, यांचे कपडे लत्ते अनाज बिनाज सर्व वाहून गेल्यामुळे त्यांना आज रस्त्यावर राहण्याची वेळ आलेली आहे। अन्नाभाऊ साठे वस्तीतील या लोकांना भवानी माताच्या टेकडीच्या जवळ पुनर्वसन करून त्यांनी जागा अवेलेबल करून द्यावे अशी मागणी आम्ही एक मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांना केलेली आहे। तहसीलदार साहेब यांना निवेदन दिलेले आहे की आमची ही मागणी तुम्ही एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री साहेब यांना पोहोचवा आणि आम्हाला न्याय मिळून द्यावा। अगर हे न्याय आम्हाला मिळाला नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरू, आंदोलन करू। अण्णाभाऊ साठे नगर हाजी मंडी हे नदीमध्ये पूर्ण आमचे मातंग बांधवाचे पूर्णपणे घर गेलेले आहे, तरी आमच्या समाजाला पुनर्वसनसाठी कुठेतरी जागा दिली पाहिजे अशा मागण्या घेऊन आम्ही तहसीलदार साहेब या ठिकाणी आलेलो आहोत। आमचे मातंग बांधवाला आहे तिसरी वेळ आहे नदीमध्ये, प्रत्येक वेळा त्यांचे घर जात वाहून जात आहे, उद्या त्याची जीवाची कोण दखल घेणार आहे, त्याच्यासाठी आम्ही तहसीलदार साहेबांना मुख्यमंत्री साहेबापर्यंत पोहोचला पाहिजे हा निरोप की यांना ताबडतोब त्यांना जागा तुरंत जागा पाहून द्यावे। हे लहुची शक्ती सेना डिग्रस तालुका सगळ्या तालुक्याच्या वतीने आम्ही इशारा देतो की आमच्या मातंग बांधवाला प्रत्येक समाज एक एक घराला एक एक जागा मिळाली पाहिजे। इस मौके पर बड़ी संख्या में लहुची शक्ति सेना के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण सहित मातंग समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।